गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट, जीवन के अंदर मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। डेटेड 7 दिसंबर 2020। मैथ टेक्स्ट बुक में भी आपने करने और फिर नोटबुक में भी सब करने हैं। सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन विद कन्वर्सन में, सब्ट्रैक्शन का सिंबल या चिन्ह आप जानते हैं, जिसको आप माइनस बोलते हैं। पहला सम आता है ऐड का, किसी भी चीज का जोड़ करना। आपसे पूछे जाए आपके पास कितनी चीजें हैं, आप पॉकेट में देखेंगे एक पेन है, एक पेंसिल है, एक प्रकार है, इरेजर है, तो आप कहेंगे 4। वो भी जरूरी है। घर में पूछा जाए कि आपके मेंबर कितने हैं, तो आप जोड़ेंगे मम्मा पापा दादी माँ दादाजी मैं दीदी, 6 मेंबर हैं। तो उसी प्रकार घटाना भी बहुत जरूरी है बेटे। आप बाजार में गए, थर्ड क्लास के मम्मी भेज देती है और आपको बाजार में कहा कि बेटे लो आप 50 रुपये लेके जाएं, 1 किलो आलू ले आए, आधा किलो टमाटर ले आए और बाकी पैसे आपने लेके आना। आप दुकानदार को 50 रुपये देंगे, आजकल आलू महंगा है कि वो 30 रुपये किलो आलू देगा, 10 रुपये का टमाटर देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 50 रुपीज में 10 रुपीज वापस देगा। आप जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और 1-1 रुपये करके यदि 100 का नोट है तो उसमें 100 रुपये है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अभी जैसे आधा किलो मैंने टमाटर कहा, तो 1 किलो का आधा देगा वो। आपने देखा होगा दुकानों के पास गोल गोल लोहे के बाट बने होते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम। इसी प्रकार जो हम यदि पेट्रोल पंप पे जाएंगे, कपड़े की दुकान में जाओगे, तो वहां पर आपको किलोग्राम से नहीं तोला जाएगा कपड़ा। वहां पर आपने देखा होगा एक लोहे का लंबा सा डंडा होता है और कैंची चलाते हैं। लोहे का वो डंडा होता है लंबे वाला, वो 1 मीटर का होता है। कई बार घर में हम दवजा निकालते हैं, कोई झंडा बनाते हैं, तब हम कहते हैं 1 मीटर की जरूरत नहीं, हमें 10 सेंटीमीटर दे दें, 20 सेंटीमीटर दे दें। कई बार छोटा बच्चा होता है उसको 1.5 मीटर कपड़ा लगता है, तो हम 1.5 मीटर का पहनते, यानी 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 2 मीटर ले आके क्या करेंगे। तो 1 मीटर में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 100 सेंटीमीटर होता है। आप किसी कपड़े की दुकान में जाएंगे, वो पूरा जो लंबा है लोहे का या स्टील का बना हुआ, जिससे मीटर को नापते हैं, उसमें लिखा होता है, या अपने फट्टे पे स्केल पे आपने देखा होगा निशान लगे होते हैं, इतने सेंटीमीटर इंचीज होता है। तो ये आपके घटाना है। घटाने का मतलब एक आपको पहला सम हम करके दिखा रहे हैं, 49 मीटर और 45 सेंटीमीटर, 36 मीटर और 12 सेंटीमीटर। 49, 45 में से 36 मीटर और 12 सेंटीमीटर आपने घटाना है। पहला तरीका घटाने का, सबसे पहले आप इनका सेंटीमीटर बनाइए। एक जैसे मैंने बताया था 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर कपड़ा ले आए और आपको पूछे कि बेटे आप कितना सेंटीमीटर लेके आओगे, तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर। और 100 सेंटीमीटर को यदि आपसे पूछा जाए कि 100 सेंटीमीटर का बेटे मीटर बनाओ, तो आप बोलोगे 1 मीटर। तो हमने 49 मीटर है हमारा, इसका सेंटीमीटर बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया 100 से, तो आंसर कितना आया हमारा 4900 प्लस ऑलरेडी 45 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये क्या बन गया, 49, 45 सेंटीमीटर बन गया, इसमें मीटर का कोई रोल नहीं है। नीचे 36 सेंटीमीटर, 36 मल्टीप्लाई 100 और प्लस में 12, तो 36 12 सेंटीमीटर। इसलिए क्या बना, इसमें मीटर का रोल नहीं है, सारे सेंटीमीटर है। 4945 सेंटीमीटर, 3612 सेंटीमीटर। अब इसको माइनस करना, आपने घटाना है, यानी सपोज करो कितना आपके पास ये सेंटीमीटर कपड़ा है और इतना आपकी आंटी को दे दिया, तो आपके पास बचा कितना। 5 में से 2 जानते हो आपको कितना पता है, 3 है,
फोर में से वन गया थ्री, नाइन में से सिक्स गया थ्री, और फोर में से थ्री गया वन होता है। ये सारा 1333 क्या है बेटे, सेंटीमीटर है। और आंसर के लिए आप इसका मीटर और सेंटीमीटर बनाएंगे, लास्ट के टू डिजिट हैं 33, ये तो बन गए आपके सेंटीमीटर। अब जितने बच गए, कितने बच गए हमारे पास, यहाँ आप दशमलव लगा सकते हो, ये 13 बच गया, ये आपका मीटर है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप थोड़ा सा गैप दे दें, ऊपर आपने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितने दे रखे हैं 45, मीटर कितने दे रखे हैं 49, तो अंडरस्टूड है। राइट हैंड से आप घटा करना शुरू करेंगे, जिसको आप वंस बोलते हैं। फाइव में से टू गया आपके थ्री, फोर में से वन गया थ्री, ऊपर क्या लिखा हुआ है सेंटीमीटर, यहाँ भी क्या है ये सेंटीमीटर, बीच का गैप यानी कि बॉक्स वाले नोटबुक का खाली छोड़ दो। नाइन में से सिक्स गया थ्री, फोर में से थ्री गया वन, और ये 13 क्या बच गया आपका मीटर में। घटा के सम फाइव लाइन खींच के भी टू काट सकते हो, फोर लाइन खींच के वन काट सकते हो, बाकी अंडरस्टूड है। थर्ड में आपको आता होगा 13 मीटर 33 सेंटीमीटर, सेम आंसर। यहाँ सेम आंसर, दो मेथड आपको बताएं, दोनों में जो आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। सेकेंड सम 36 25 15 20, तो पहला स्टेप हुई 36 मल्टीप्लाई 100, 36 100 प्लस 25 तो कितना बन गया 36 25 सेंटीमीटर, 15 प्लस मल्टीप्लाई 100 तो 1500 प्लस 20 कितना बन गया 1520 सेंटीमीटर। सो 36 25 में सेंटीमीटर बन गई, इनमें मीटर नहीं है बेटे, हमने 100 से मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया सेंटीमीटर। इसी प्रकार 15 प्लस 20 ये भी सेंटीमीटर बन गया। अब हम माइनस का निशान लगाना जरूरी है, इधर वंस यानी कि वंस का मतलब राइट हैंड, इकाई की तरफ से करेंगे। फाइव में से जीरो घटाओगे आप जानते हैं फाइव, टू में से टू जीरो, सिक्स में से फाइव गया वन, थ्री में से वन किसी को आपने चीज दे दी, आपके पास टू रह गई, थ्री चॉकलेट आपने दोस्त को वन दे दी तो आपके पास टू रह गई, तो ये घटाने का तरीका, ये क्या है बेटे हमारा सेंटीमीटर। अब मीटर बनाने के लिए मैंने कहा था सबसे पहले टू डिजिट ले लो लास्ट को, जीरो एंड फाइव ये तो आपके सेंटीमीटर हैं, केवल टू डिजिट, बाकी कितना बच गया ये आपके पास टू वन बच गया, कितना ही बचे वो सारा का सारा मीटर है, ये आंसर है आपका। दूसरा मेथड देखते हैं, स्टेप नंबर टू मेथड। ये सेंटीमीटर हमने अलग लिख दिया, थोड़ा फासला बीच का बॉक्स खाली छोड़ना है आपने। फाइव में से जीरो गया फाइव, टू में से टू गया जीरो, ये क्या चीज है आपके पास सेंटीमीटर। अब हम क्या लेके आ रहे हैं मीटर, सिक्स में से फाइव गया वन, थ्री में से वन गया टू, 21 मीटर 05 सेंटीमीटर, ऊपर क्या था 21 मीटर 05 सेंटीमीटर, तो बहुत ही आसान है, जीवन में आपके लिए बहुत जरूरी है। कल को बड़े होंगे, बाजार में जाएंगे, मम्मी सामान मंगाएगी, दूध भी लीटर में आता है, दूध भी मम्मी कई बार कहती है आधा लीटर ले लो, एक लीटर ले लो, तो आपको पता होना चाहिए। बाजार में कपड़े में मंगवाया जाता है, कभी घर में थोक जरूरत पड़ जाती है, तो आप सेंटीमीटर में कितना ले गया है और कितना पैसे दे गया है। बाजार में जाते हैं बर्तन की दुकान में, सब्जी की दुकान में, तो आपको पता होना चाहिए 50 ग्राम का कितना रेट है, 100 ग्राम का कितना रेट है, 1 किलो का कितना रेट है, ताकि दुकानदार आपके साथ धोखा ना कर सके और उससे बकाया पैसे घर लेकर आए। तो इसलिए ये सब बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।